ये ना अक्षय, घाबर तू कशाला? काय खाणार नाही तुला, आपण काय खरोखर जे रॉंगटन मध्ये नाही होत। दिसतं भारी ना पण हे नमस्कार, फिर आ गया आपका यार, दिस इज तेजस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल तेजा व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, स्ट्राइक मत। अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी बहुत दिनों बाद स्वागत है आपका तेजा व्लॉग में। हम बहुत महीनों बाद आ रहे हैं, बहुत महीनों बाद आपसे मिल रहा हूँ। लॉकडाउन में पूरा हम घर पे बैठे बहुत बोर हो गए, बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थे, बहुत कुछ प्रॉब्लम फेस किए, लेकिन फाइनली अनलॉक हो गया है। 2021 बहुत अच्छा जाएगा, जितना बुरा 2020 गया उतना अच्छा 2021 जाएगा। और अभी जनवरी 2021 है, आज हम जा रहे हैं माथेरान में। आई नो पहले भी जा चुका हूँ, लेकिन अभी बहुत घूमने जा रहा हूँ सिर्फ, और अभी आपको सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा जो भी जाऊँगा मैं। अभी इस बात की खास बात यह है कि हम लोग बाय रोड जा रहे हैं। पिछली बार गए थे बाय ट्रेन, मतलब गए थे लोकल ट्रेन से कलज पकड़ के नेरल स्टेशन पे उतर के, लेकिन इस बार जा रहे हैं हम बाय रोड, बाय हाईवे पे। मेरे साथ मेरे दोस्त है और बाइक्स पे हम लोग जाएंगे। मैं हूँ अभी डोंबिवली में, मेरे घर पे मेरा दोस्त है शुभम, अभी मेरे घर पे हूँ डोंबिवली, और डोंबिवली से हम लोग निकलेंगे बाइक पे, बाय रोड जाएंगे और हाईवे से जाएंगे नेरल। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अभी हम लोग पहुंच गए बदलापुर में। बदलापुर में मतलब हम लोग निकले थे कुछ एक घंटा, आधा पौना घंटा हो गया है, 45 मिनट्स हो गए हम लोग निकले हुए थे। तो बदलापुर में पहुंच गए, अभी आप व्यूज़ देख सकते हो यहाँ पे। हम लोग बदलापुर में पहुंच गए और अभी हम लोग नाश्ता करेंगे, थोड़ा सा खा लें। मेरे दोस्त पीछे है, इडली वड़ा वड़े जो मिलेगा वो खाएँगे अभी थोड़ी देर में। हम लोग अब आए थे बाय रोड से, बाय रोड हाईवे से आए और अभी बदलापुर में बस पहुँच गए। अभी थोड़ा सा ही सफ़र को पहुँच थोड़ा सा ही बाकी है, और बोलते ना डेस्टिनेशन ज़्यादा सफ़र बहुत अच्छा लगता है, तो यहाँ पे वही हुआ, डेस्टिनेशन ज़्यादा सफ़र अच्छा लग रहा है। और अगर डेस्टिनेशन भी उससे ज़्यादा माशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगी। तो हम लोग आज पहुँच जाएंगे कभी कभी करीब, और 15-20 मिनट आधे घंटे में पहुँच जाएंगे हम लोग। निकलेंगे तो हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं बदलापुर के आगे, ये माथेरान का नेरल से नज़दीक है माथेरान, तो ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं हम लोग। तो फिर अभी नाश्ता करेंगे और फिर आपको मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड। हम लोग पहुंच चुके हैं माथेरान में एंट्रेंस पे। इधर एंट्रेंस में हम लोग दो जगह, मतलब सबसे पहले आए तो एंट्रेंस का जो एंट्री फ़ी है 50 रुपये 50 रुपीज़, वो वहाँ पे लिया हम लोग ने। और हम लोग ने बाइक्स पार्क किया तो बाइक पार्किंग का भी 80 रुपीज़ लिया था। तो अगर आप आओगे तो एंट्रेंस की एंट्री फ़ी देनी पड़ेगी और पार्किंग के लिए भी देनी पड़ेगी। गाइस अभी फाइनली हम लोग ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग माथेरान नेरल स्टेशन से ऊपर आ गए थे। हम लोग चल के बाहर नीचे हम लोग ने गाड़ी पार्क की, फिर पार्किंग के बाद हम लोग नीचे ऊपर पहुँच गए, चलते चलते आ गए। और अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे एक लिखा है अमन लॉज, और यहाँ पे हाइट जो है वो सी लेवल से बहुत ऊपर है, 758 मीटर ऊपर है, 758 मीटर ऊपर सी लेवल से अबव हाइट है। तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा हाइट पे सी लेवल से, और यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है। अभी जैसे कि अभी जनवरी चल रहा है तो काफ़ी सारा ठंड का मौसम है, तो बहुत अच्छा मौसम है। हम लोग हाईवे पे
पे आए थे तो बहुत ज़्यादा ठंडी हवा थी, और जैसे बोलते हैं कोहरा गिरता है किसी का, मतलब एकदम जो थोड़ा सा मतलब कोहरा गिरता है जो सामने से दिखता नहीं, ऐसा माहौल था, बहुत ही अच्छा लगा। और हम लोग जो हाईवे से आए तो हाईवे पे मतलब अभी स्टार्टिंग में डोंबिवली में जब आए थे वो तो इतना कुछ ज़्यादा था नहीं, लेकिन जैसे हम लोग नेरल स्टेशन पे नगर तक आते गए हाईवे से, तो नेरल तक पहुँचते काफ़ी सारा अच्छा माहौल, मतलब जो भी एनवायरनमेंट था, क्लाइमेट था, बहुत अच्छा बनता गया। और अभी हम लोग आ चुके हैं माथेरान में, तो माथेरान में बट ऑफ योर क्लाइमेट तो बहुत रहता ही है। तो अभी हम लोग चाह रहे हैं, अभी यहाँ से हम लोग जो टॉय ट्रेन रहती है, टॉय ट्रेन के ट्रैक से हम लोग जा रहे हैं। अभी टॉय ट्रेन फिलहाल तो बंद है, पता नहीं वो चालू है कि नहीं, पता नहीं, वो देखना पड़ेगा, लेकिन हम लोग फिलहाल तो जा रहे हैं अभी टॉय ट्रेन के ट्रैक से, ट्रैक से चल रहे हैं। तो अभी हम लोग आगे चल के जा रहे हैं, तो अभी हम लोग आपको दिखा दें ऊपर। माथेरान में जहाँ पे स्टेशन है माथेरान का, यहाँ पे जो टॉय ट्रेन होती है, मिनी ट्रेन होती है, वो जो रुकती है वहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे लॉज भी है, मतलब जहाँ पे आप स्टे कर सकते हो, मतलब काफ़ी नॉमिनल प्राइस में, काफ़ी ज़्यादा मतलब महंगे नहीं है, काफ़ी इसेंशियल प्राइस में, काफ़ी नॉमिनल प्राइस में, अफोर्डेबल प्राइस में यहाँ पे लॉज अवेलेबल होते हैं। तो आप अगर स्टे करने के लिए यहाँ पे आते हो वन डे वन नाइट, तो उसके लिए भी इधर काफ़ी सारे इंतज़ाम कर रखे हैं, और स्टे के साथ काफ़ी सारे फूड कोर्ट्स हैं और काफ़ी सारे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, तो आपका खाने का भी अगर आपको चाहिए तो वो भी यहाँ पे इंतज़ाम है। तो अगर आप स्टे के हिसाब से भी आते हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे, अगर माहौल अगर आप यहाँ पे आते हो स्टे के लिए, नाइट में भी एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहता है यहाँ पे। अगर स्टे के हिसाब से आते हो तो मैं आपको मतलब सजेस्ट करूँगा कि जब विंटर होता है तो उस टाइम में आओ, मतलब जैसे कि नवंबर से लेकर जनवरी के बीच में ये जो पीरियड होता है वो बहुत ही अच्छा होता है यहाँ पे लिए माथेरान के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो हवा रहती है बहुत ही अच्छी रहती है नवंबर से लेकर जनवरी के बीच में। और अगर आप मतलब रेनी सीज़न में भी आओगे, मानसून में आओगे, तो भी अच्छा लगेगा, लेकिन उससे ज़्यादा मज़ा आता है विंटर में। तो आप अगर मैं सजेस्ट करूँगा आना चाहते हो तो नवंबर से लेकर जनवरी के बीच में आओ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा रहता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे स्टे के लिए भी काफ़ी सारे इंतज़ाम कर रखे, तो आप अगर स्टे के हिसाब से अभी आते हो, स्टे का सोच के भी आते हो, तो उसके लिए भी आपके बहुत सारे यहाँ पे होटल्स अवेलेबल है, लॉज अवेलेबल है। एक और बात, यहाँ भी जो हाइट है सी लेवल से हम लोग करीब 803 मीटर ऊपर है, 803 मीटर्स ऊपर, मतलब अबव द सी लेवल। तो अभी हम लोग जिस लेवल पे है माथेरान का जो एंट्रेंस है, जहाँ पे माथेरान नेरल जो टॉय ट्रेन आती है वो रुकती है, वो उसका हाइट है करीब करीब 800 मीटर के ऊपर सी लेवल से। तो अभी हम और ऊपर जाएंगे, अलग अलग पॉइंट्स एक्सप्लोर करते और आपको वो भी और तो और भी ज़्यादा ऊँचा है, तो फिर देखते जस्ट स्टे ट्यून। ऐसा मार्केट है यहाँ पे, जैसा मतलब शूज़ मिलते हैं, कपड़े मिलते हैं, हैट्स मिलते हैं, कैप्स मिलते हैं, और काफ़ी सारे एक छोटा सा मार्केट है यहाँ पे। अगर कोई टूरिस्ट वगैरह आते हैं यहाँ पे तो उनके लिए मतलब जो अगर हैट्स लेना चाहते हैं या हैट्स है यहाँ पे काफ़ी सारे, मतलब शूज़ है और काफ़ी सारे छोटे छोटे ऐसे मतलब टॉयज़ वगैरह है, तो काफ़ी सारे एक छोटा सा मार्केट है और काफ़ी ज़्यादा ऐसे शॉप्स है यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा बिजनेस है यहाँ पे। और ऐसे जैसे विजिटर्स, जैसे अभी लॉकडाउन ख़त्म हुआ है तो ट्रैवलिंग चालू हो गई है, तो टूरिस्ट लोग भी ज़्यादा अगर घूम रहे हैं तो उनके लिए भी काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें रखी गई है यहाँ पे, आएंगे वो खरीदेंगे तो एक अच्छा लगेगा उनको, और घर पे जाके भी उनको एक मतलब याद रहेगी यहाँ पे आए वगैरह। तो आप भी आओ तो आकर यहाँ पे आप खरीद सकते हो। गाइस अभी हम लोग हैं लॉर्ड्स पॉइंट पे, यहाँ पे हम आते हैं तो काफ़ी सारे यहाँ पे एक वैली और काफ़ी सारे ऐसे पहाड़ दिखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे दिया है कि इधर क्या, इधर से क्या क्या व्यूज़ दिखते हैं। इधर सबसे पहले दिखता है शिवाजी महाराज,
मराठी सांगतो. सर्वात पहिले इकडे दिसतं शिवाजी महाराजांचा पुतळा स्टॅच्यू आहे इकडे समोर, ते दुर्बिणीने बघू शकता इकडे. त्याच्यानंतर आहे लकडी की सीडी, त्याच्यानंतर प्रबळगड, प्रबळगड समोरच आहे प्रबळगड कलावंतीन, तिकडे बघू शकतो आपण. त्याच्यानंतर खाली आहे आदिवासी गाव, आदिवासी गाव इकडे खाली व्हॅली खालीमध्ये दरीमध्ये, तिकडे बघू शकतो. रॉक क्लाइम्बिंग स्पॉट आणि बेटा हुआ लायन का शेप, इरशाळगड, इरशाळगड बघू शकतो, इरशाळगड आहे त्या साईडला. तर असे जवळजवळ 5-6 पॉईंट आहे तिकडून आपण बघू शकतो. तर तुम्हाला दाखवतो पूर्णपणे, एक व्ह्यूज दाखवतो, तुम्ही बघा. सो जस्ट टेक अ लुक. लॉर्ड्स पॉइंट पे आओगे तो आपको करीब करीब 5-6 जगह दिखने को मिलेगी. यहाँ पे टेलीस्कोप भी है, यहाँ पे वो बिजनेस है, वो टेलीस्कोप से आप दिखा सकते हैं, वो आपको पूरा जूम करके दिखाएंगे. तो 5-6 पॉइंट यहाँ पे दिखते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया वीडियोज़ में. तो लॉर्ड्स पॉइंट अगर आओगे तो काफ़ी अच्छा, मतलब विजिट करना, यहाँ से आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखेंगी, काफ़ी सारे लोकेशंस दिखेंगे. हम लोग है उसी लॉर्ड्स पॉइंट पे है, जरा सा आगे आ गए और पहाड़ के इधर आ गए थे. जैसे यहाँ पे मैंने देखा, आपको यहाँ पे दिखाया नहीं मैंने, लेकिन यहाँ पे एक बैरिकेड्स लगाया हुआ है, वहाँ से वो पॉइंट्स देख सकते हैं. इधर अंदर बहुत ज़्यादा डीप वैली है, यहाँ पे मैं बता सकता हूँ आपको. हम लोग आए पूरे पहाड़ पे, यहाँ पे कुछ है नहीं प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन आप आओगे तो थोड़ा संभाल के रहना. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे पूरा नीचे वैली, डीप वैली, लॉर्ड्स पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पॉइंट है. मतलब अभी यहाँ पे खड़े रहने के लिए जगह है तो ठीक है, लेकिन जैसे मैं आगे जा रहा था तो जगह ख़त्म हो रही थी. जितना भी वो स्लोप था, वो स्लोप बहुत ही मतलब कर्व हो गया था, तो जगह पैर रखने के लिए भी नहीं है. तो आप अगर आओगे लॉर्ड्स पॉइंट, संभाल के आना. और पीछे वैसे तो है बैरिकेड्स, तो वहाँ से देखोगे तो ये अच्छा रहेगा. यहाँ पे आओगे तो अगर आना चाहते हो तो यहाँ पे आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ बैरिकेड्स वगैरह नहीं है, बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, लेकिन बहुत ही अच्छा सुपर व्यू है. और वैली तो इतना डीप है तो बहुत ज़्यादा सुपर व्यू है. दोस्तों अभी हम है लुइसा पॉइंट पे, और इसकी खास बात यह है कि यहाँ से चार्लोट लेक, यहाँ पे जो प्रबलगढ़ है और नीचे जो लेक है चार्लोट लेक, यहाँ पे एक साथ दिखता है. और यहाँ से आगे अगर देखोगे तो वहाँ पे सीधा है प्रबलगढ़ और कलावंतीन दुर्ग, और यहाँ पे नीचे है चार्लोट लेक. तो यहाँ पे मतलब ऐसा एक नेकलेस के जैसा व्यू होता है, तो इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि क्वीन ऑफ नेकलेस जैसा दिखता है. और नीचे बहुत मतलब यहाँ पे आसमान भी मतलब पहाड़ों को छूता है, और नीचे वो जो बस्ती दिखती है, तो एक खास बात है यहाँ से बस्ती भी दिखती है और पहाड़ भी और आसमान भी वो दिखता है. तो काफ़ी सारा बहुत ही अच्छा व्यू दिखता है यहाँ से. तो एक बार दिखा देता हूँ, आप देख लो.
बिरसा पॉइंट नाम इसलिए रखा क्योंकि यहाँ का जो एज का जो पार्ट रहता है पहाड़ का कॉर्नर का वो लायंस के फेस के जैसा है, इसलिए इसका नाम लुइसा पॉइंट ऐसा रखा। और यहाँ का मतलब खास बात यह है कि इसकी जो हाइट है वो सी लेवल से 2500 टू मतलब 2502 फीट ऊपर है सी लेवल। जैसे मैंने आपको कहा था कि इसका नाम लुइसा पॉइंट इसलिए रखा क्योंकि इसका लाइन के शेप का जो इसका ये कॉर्नर पे, तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो उसका पहाड़ का जो चोटी है इसके कॉर्नर पे वो इसका पहाड़ का शेप है और लाइन का शेप में इसका ये पहाड़ लाइन के शेप में, तो इसी वजह से इस पहाड़ का नाम, इस पॉइंट का नाम लुइसा पॉइंट रखा था। तो उसको दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। सनसेट पॉइंट पे, बाय द वे अभी टाइम हुआ तो नहीं है सनसेट का, काफ़ी टाइम है अभी, कुछ 3 o'clock और 4 o'clock कुछ तो बच चुके हैं, लेकिन सनसेट के लिए बहुत ज़्यादा वक्त है तो इसीलिए अब तक टाइम हुआ नहीं है, इसलिए सनसेट देखने को तो मिलेगा नहीं। अभी आप देख सकते हैं जैसे मेरे पीछे अभी सूरज अभी भी आसमान में है, तो अभी भी ज़्यादा टाइम है, नहीं तो अगर वक्त रहता मेरे पास तो शायद से मैं दिखा सकता था, लेकिन अभी नहीं दिखा सकता क्योंकि वापस हमें डोंबिवली भी जाना है और बाय रोड आए तो बाय रोड जाते वक्त हम लोग को जाते वक्त ट्रैफिक भी लग सकता है, तो इसके लिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम लोग इधर से निकलने का ट्राई कर रहे हैं। अगर मेरे पास वक्त होता, हम लोग अगर स्टे का सोच के आते तो बड़ा व्यू मैं आपको दिखाता था ये सनसेट, लेकिन अगर आप कभी आओगे यहाँ पे तो इस सनसेट पॉइंट को बहुत मतलब आई सजेस्ट दैट कि आप यहाँ पे विजिट करना, और अगर हो सके तो स्टे के लिए आना क्योंकि इतने ज़्यादा पॉइंट्स हैं यहाँ पे, करीब करीब 13 से 14 पॉइंट्स हैं, तो अगर आप हर एक पॉइंट को देखना चाहते हो तो आई सजेस्ट कि आप स्टे के हिसाब से ही आना, एक दिन में तो बहुत ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि यहाँ के सब सारे पॉइंट्स हम विजिट कर सकते हैं एक ही दिन में, तो अब अगर आओगे तो स्टे के हिसाब से आना। और ये जो सनसेट पॉइंट है अभी तो नहीं दिखा सकता, आप देख सकते मेरे पीछे सन है, अगर वो सनसेट अगर टाइम रहता तो मैं पक्का दिखाता था, लेकिन हम लोग अभी ये शायद से हमारा लास्ट पॉइंट हो सकता है और अब हम लोग यहाँ से निकलने का ट्राई कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग निकलेंगे थोड़ी देर में, कुछ खाएंगे पियेंगे और फिर बाद में वापस घर पे, सो वापस मिलते हैं आपको।